पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी कि VBSV सभी छात्रों के लिए दो बड़ी नोटिस जारी हुए हैं। सभी छात्र अंत तक बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार अपडेट दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर ज्वाइन हो जाएँ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, दोनों नोटिस आप समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, साथियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे बड़ी अपडेट है, इसमें लिखा गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित क्रमशः BSc BCom एवं BCA पाठ्यक्रम हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 18/1/2022 के क्रम में ₹1750 प्रति सेमेस्टर प्रतिवर्ष ₹3500 जो परीक्षा शुल्क निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि BSc BCom BCA अगर आप ये कर रहे हैं परिसर से, ठीक है, तो आपके लिए कुलपति जी ने निर्णय लिया और उसमें बोला है कि ₹1750 आपको प्रति सेमेस्टर देना पड़ेगा, ठीक है, और टोटल आपका एक साल में हो जाएगा ₹3500। तो कुल मिलाकर के आपका ₹3500 वहाँ पर फीस लगेगा जो छात्र परिसर से BSc BCom और BCA कर रहे हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट है आप सभी छात्रों के लिए। अब चलिए दूसरे अपडेट की तरफ चलते हैं और जानते हैं दूसरा अपडेट क्या है, नोटिफिकेशन क्या है। तो वहीं पर जो दूसरी नोटिस है, आप देख सकते हैं कि COVID-19 संक्रमण की तीसरी लहर की रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सभी छात्र छात्राओं के टीकाकरण कराए जाने हेतु अभियान चलाया गया है। कोविड संक्रमण से बचने हेतु तो सभी छात्र छात्राओं को टीका लगवाना अनिवार्य है। अतः माननीय कुलपति महोदया के आदेश दिनांक 17/1/2022 के अनुपालन में समस्त संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षकों, परिसर पाठ्यक्रम को अवगत कराना है कि शासन के निर्देशानुसार दिनांक 23/1/2022 तक, यहाँ पर देख सकते हैं 23/1/2022 तक परिसर में छात्रों की उपस्थिति ना हो तथा उनकी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जाए तथा ऑनलाइन कक्षाओं का उपस्थिति विवरण तैयार कर समय समय पर माननीय कुलपति जी को उपलब्ध कराते रहें। तो स्पष्ट रूप से ये बता दिया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं 23/1/2022 यानी आज तक ये है, और आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता ये तो जब नोटिस आएगा तभी पता चलेगा। और लेकिन ये बोला गया है कि इतने तारीख तक जो छात्र वहाँ पर क्लास करने आते हैं, देखिए इसमें भी परिसर ही है तो परिसर में जो छात्र क्लास करने आते थे उनको वहाँ नहीं कराया जाएगा बल्कि वो ऑनलाइन क्लास करेंगे, और जिसका कि उपस्थिति भी, उनका अटेंडेंस भी ऑनलाइन लिया जाएगा और उसका जो डेटा रहेगा वो आपके कुलपति को लगातार सौंपा जाएगा कि क्या हाल है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है आप सभी छात्रों के लिए, जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। अभी दोनों नोटिस आपको कुछ समय बाद टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए नया इन्फो के साथ। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में।